कट। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे अभिनेता से आपको आज मिलवाने जा रहा हूं, जो हमारे साइंस सीरियल में देवीदास का रोल कर रहे हैं। देवीदास वो एक क्रांतिकारी थे, जब हमारा देश गुलाम था उसमें वो देश के लिए बहुत अपना घर परिवार छोड़ दिए थे और साईं बाबा को मानने आए थे, लेकिन साईं बाबा का जब उनका सामना हुआ तो परिवर्तन हो गया इधर पर। तो दोस्तों, उस करेक्टर उस अभिनेता से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है महेश राजा। तो महेश जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ विजय जी, नमस्कार दोस्तों। तो महेश जी, आप ये बताइए, जब आपको पहली बार साईं बाबा के रोल के लिए देवीदास का करेक्टर जब ऑफर हुआ तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? ऐसा लगा कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। जवान हूँ लेकिन जब ये करेक्टर कोई सामने आता है, जिस तरीके का देवीदास करेक्टर मुझे मिला है इस सीरियल में करने के लिए, सर 440 वोल्ट है। लोग 440 वोल्ट कहते हैं लेकिन मैं 4400 वोल्ट कहूँगा इस करेक्टर को अपनाने के बाद, जो मैंने किया है और मेरे डायरेक्टर विजय सैनी जी ने जो कराया है उसको मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और थैंक्स टू विकास कपूर जी जो इस करेक्टर को जीवित करने का मुझे मौका दिया। क्या बात है महेश बाबू, पहले ये बताइए आप कि आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं। मुझे कोई भी बोलेगा कि अरे एक्टर ही आ रहा जा रहा है, तो कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कहाँ जन्म हुआ आपका, और क्या एक्टर बनने के बारे में आप बचपन से सोचे थे? यूँ कहूँ तो सबसे पहले मैं बाई बोलना सीखा, आई माँ। लेकिन मेरे भोजपुरी में, मैं बिहार बक्सर जिला का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। पहले हम माई बोलते हैं और मुंबई आने के बाद लोगों से सुनने के बाद मम्मी बोलना शुरू किया। ये जो एक्टिंग मेरे अंदर बचपन की पैदाइश, शायद पिछले जन्म में कुछ बाकी रह गया था जो इस जन्म में मुझे मेरे साई राम और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से पूरा हो रहा है। और आई एम सो लकी, यहाँ आने के बाद श्री गुलशन कुमार मुझे एज ए एक्टर चूज करके पूरे बिहार से लाए थे। मेरी पहली फिल्म थी चार धाम, जिसमें मैंने कृष्ण की भूमिका की थी, एंड उनके बहुत सारे एल्बम, बहुत सारे सीरियल्स, मैंने कई सारी भोजपुरी फिल्में, 25 से 30 फिल्में एज ए हीरो में कर चुका हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए हैं, शगुन मेरा बहुत अच्छा सीरियल था, कहता है दिल, मितवा, जिंदगी नौरंग है, महाराणा प्रताप एक सीरियल आया था सोनी पे जिसमें नत्था का करेक्टर मैं कर रहा था। यूँ सिलसिला बहुत लंबा है, 22 सालों का मेरा कैरियर ग्राफ बताते जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। लेकिन इस बीच ये 2020 लास्ट में मुझे विजय सैनी जी मिले और ये साईं बाबा का सीरियल मिला, एक और नया चैप्टर मेरे लाइफ में, आई एम सो हैप्पी। और शुरू से ही जो सोचा हुआ था वो मुकाम मेरा पूरा हुआ है मुंबई में एज ए एक्टर। मैं आप सबका एक कलाकार बन के अपने आप को एस्टेब्लिश किया हूँ विजय सैनी जी। क्या बात है। अच्छा महेश भाई, एक एक्टर बनने के लिए लोग बोलते हैं कि थिएटर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उस पर कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, क्या है सर कि हमें कुछ करने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे एग्ज़ाम देने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसी तरह से कलाकार बनने के लिए हमको ABCD होना, ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, आम आदमी कोई भी उठ के चला आता है एक्टर बनने के लिए, हर कोई नहीं बन पाता, क्योंकि उनको जब तक निचली स्टडी, हमारा जो थिएटर है, अगर हम थिएटर करके आते हैं, क्योंकि देखिए आज लोग एक्टिंग सिखाने के नाम पर पैसा कमाने लगे हैं, तो भी फ्रेंकली यही कहूँगा, लोग पैसा दे दे के एक्टिंग सीखते हैं जबकि वो कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी ललक होनी चाहिए कि हमें एक्टर बनना है तो हमें क्या क्या सीखना है, किस तरीके से। आज मैं अपने बारे में बता दूँ, मुझे आज सब कुछ आता है, मैं हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, फाइट भी करता हूँ, डांस भी करता हूँ, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, मगर मेरे अंदर जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो मजबूत है और मैं आज सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं
थिएटर से शुरुआत किया, मैंने भी थिएटर किया। थिएटर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं पैसे देकर नहीं सीखा, मेहनत करके अपने ललक से, अपने जज्बात से सीखा है। और नेचुरली मैं कहूँगा कि आप जब एक्टिंग में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने अध्याय ABCD शुरू कीजिए जो फ्री में आपको थिएटर से मिल जाता है। बिल्कुल, थिएटर ऐसा चीज़ है सर जो आप हजारों पब्लिक के सामने अपने वॉइस, अपने बॉडी को खड़ा कर देते हैं। कैमरा तो उसके आगे सर पानी कम चाय है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो मॉनिटर पे हमारे डायरेक्टर देख के बता देंगे नहीं ठीक नहीं हुआ, फिर से कर दो फिर से करो। थिएटर में सिर्फ एक बार चांस मिलता है। बिल्कुल, तो एक बार अपने आप को एस्टेब्लिश कर लीजिए एज ए एक्टर थिएटर में, फिर ये कैमरा आपके आगे कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, महेश भाई बताइए कि थिएटर की एक्टिंग और कैमरे की एक्टिंग में विशेष अंतर क्या है? थिएटर में सर जब आप खड़े होते हैं ना तो ऑडियंस आपकी ऊपर से लेके दाएं से बाएं पूरे चौहद्दी को देखती है, और उस वक्त आप अपने हाथ को कैसे संभाल रहे हैं ये सबसे बड़ा टफ होता है थिएटर में। हमारे पास यहाँ आने के बाद सिर्फ एक मास्टर लग जाता है, मास्टर में आप एक सेकंड के लिए हाथ संभाल लेते हैं, एक्सप्रेशन दे देते हैं, बट जब क्लोज लगता है तो सिर्फ आपकी गर्दन हिलानी है कि मैं गर्दन ऐसे हिलाऊंगा या मैं गर्दन ऐसे हिलाऊंगा। बिल्कुल, बस कटिंग है। ये कैमरा आपको सिखा देता है कि आप ऐसे ठीक दिख रहे हैं या ऐसे ठीक दिख रहे हैं, मगर थिएटर आपको पूरी बॉडी को आपको निखार के दिखाना पड़ेगा कि मैं ऐसे ठीक लग रहा हूँ या ऐसे लग रहा हूँ। आपको मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ कटिंग मिलती है, आपको यहाँ रिटेक मिलता है। बिल्कुल, थिएटर में कोई रिटेक नहीं। थिएटर में तो अगर 20 पेज और 25 पेज का डायलॉग्स है तो आपको वन थ्रू बोलना है, सब कुछ करना। यहाँ आपके पास टाइम है कि मास्टर है, चलो मास्टर में भूल गए तो हम क्लोज में सही कर लेंगे। महेश भाई, जब एक नया एक्टर कैमरे के सामने खड़ा होता है उसको किन किन चीज़ों की बहुत आवश्यक होती है? जैसे एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ से मुझे लगता है कि डायलॉग बहुत जरूरी याद करना, जो आज के जो नौजवान है, जो आज युवा एक्टर हैं, बहुत कम करते हैं। मैं देखता हूँ कि आप बड़ी बड़ी लाइन होती है और आप पूरा रट के आते हो, और मुझे भी लगता है कि जब एक्टर स्क्रिप्ट को रट के आएगा तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होती है। तो नए जो एक्टर है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले नए लोगों को अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना ज़रूरी है। क्या है सर, जो चीज़ करने आप आए हो उस चीज़ को फुलफिल करो, वरना मत करो, क्योंकि दूसरे लोगों को भी चांस मिल जाएगा अगर आप ये छोड़ दोगे। तो कहना है कि जब आप डायलॉग अगर दे रहे हो तो आप अपनी तैयारी पूरी करके आओ, ताकि आप एक आदमी के कारण हमारे सेट में 60 लोग खड़े होते हैं। अगर एक डायलॉग फंबल हो जाता है या एक डायलॉग भूल जाते हैं तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं होती, वो 60 लोग जो खड़े होकर आपको, आपके लिए लाइट करते हैं, आपके लिए कैमरा करते हैं, आपके लिए मेकअप करते हैं, उनका भी टाइम वेस्ट होता है, प्रोड्यूसर का भी टाइम वेस्ट होता है। इसलिए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो कि मुझे ये पूरा फुलफिल करके वन शॉट मुझे देना है। मैंने बताया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थिएटर में जब आप आओगे तो वहाँ आपको रिएक्ट का मौका नहीं मिलेगा, आपको वन थ्रू पूरा करके आना है। और काम काम को सिखाता है, काम सीखने की ललक होनी चाहिए इंसान में। इस तरह से आप कोई भी काम करो उसको फुलफिल करो। अगर हमें डायलॉग मिला है तो डायलॉग को हम जीवित करें, अपने अंदर डालें, ताकि हमको रिटेक होने का मौका नहीं मिले। हम जिस एक्टर के साथ खड़े हैं, आज बड़े बड़े एक्टर खड़े होते हैं, कोई नया लड़का आके अगर दो रिटेक दे देता हो तो उसको डिमोरलाइज कर देते हैं लोग, ए जाओ पहले तो अपना करके आओ करके आओ। तो वो चीज़ आपको ना हो, इसलिए अपने आप को पूरा तैयारी के साथ यहाँ हो। बिल्कुल, महेश भाई आपने बताया और मैंने आपकी फिल्में भी देखी कि आपने भोजपुरी में 25-30 फिल्में एज ए मेन लीड, एज ए हीरो आपने किया। आप बिहार से बिलोंग करते हैं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है महेश भाई, आज जो भोजपुरी फिल्मों को हम सब परिवार नहीं देख पा रहे हैं, इसका मेन क्या कारण है और इसमें कैसे सुधार किया जाए? जैसे हिंदी फिल्मों में बहुत महंगी फिल्में बने लेकिन भोजपुरी में, लेकिन हम सब परिवार नहीं जा पाते, उसके उसमें क्या सुधार किया जाए? सबसे पहले मैं अपने कई सारे इंटरव्यूज में पहले भी बोल चुका हूँ बीजी जी, कि जो टर लगाने वाले, माफ कीजिएगा, टर लगाने वाले, सबसे पहला नंबर एक्टर, प्रोड्यूसर, वो भी टर से ही आते हैं, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो टर लगाने वाले और सर लगाने वाले अपने अगर मेंटेलिटी को सुधार लेंगे कि भोजपुरी क्या चीज़ है, तो भोजपुरी सुधर जाएगी। क्योंकि ये लोग मुर्गी को हलाल करके एक ही बार में सोने के अंडा खाने की चेष्टा रखते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट इसलिए ये लोग इतना ना अश्लीलता परोसते जा रहे हैं कि बस
एक बार फिल्म मेरी हिट हो गई, मैं एक ही बार में अपना सारा धन खसूट के ले लूं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सर, मैं पहले भी बोल चुका हूं और मुझे किसी बात का डर नहीं कि कर लगाने वाले अगर अपनी फैमिली को ले जाके सिनेमा हॉल में बिठाएंगे तो भोजपुरी जीवित रहेगी वरना वो मरणासन पे लेटी रहेगी। वो उसको इंजेक्शन डाल डाल के जबरदस्ती जिलाएगा कोई आदमी, जैसे हमारे मनोज तिवारी जी ससुरा बड़ा पैसा वाले बनाए मेरी फिल्म सुहागिन। सर 100 बात की एक बात, मैं आज तक कोई भी अश्लील डायलॉग नहीं बोला। शायद मैं भोजपुरी से इसीलिए मैं दूर होता जा रहा हूँ क्योंकि इस बीच इन दौरान जो अश्लीलता और जो डबल मीनिंग्स परोसे जा रहे हैं भोजपुरी में, विजय जी आई एम सो सॉरी, आई एम सो हैप्पी माई सीरियल एंड माई फिल्म। ये जरूरी नहीं है कि मैं भोजपुरी से ही जीवित रहूं, जिनको जीवित रहना वो जीवित रहें। मैं खुश हूं कि मैं रंगमंच भी करता हूं, मैं फिल्में भी करता हूं और मैं सीरियल्स भी कर रहा हूं, मगर मैं अश्लीलता नहीं करूंगा, अश्लीलता नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे सबसे पहले मेरे पिताजी, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरी सब लोग जाके फिल्में मेरी देखती हैं और मैं उनके सामने ऐसी कोई भी लैंग्वेज, ऐसा कोई भी डबल मीनिंग शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा जो कि उनको खराब लगे। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, पहले ये अपनी फैमिली को ले जाके जिस दिन बिठाएंगे ना, उस दिन भोजपुरी फिर से जीवित हो जाएगी और लोग दूर दूर से नदिया के पार की जैसी फिल्में बनाएंगे और लोग आके देखेंगे और देख रहे हैं। मगर आजकल जो जिस तरीके से फिल्में बन रही है, मैं बहुत ही दुखी हूँ, अपनी भाषा को अपने से दूर होता देख रहा हूँ। महेश भाई चलिए, हम लोग आप भी एक समझदार और हम भी समझदार, देखते हैं कि इंडस्ट्री के लिए क्या होता है। महेश भाई, ज़्यादातर भोजपुरी एक्टर जो है आजकल मतलब एक्टर से क्या बोलते हैं, मतलब नेता बनते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में आप भी कुछ है पॉलिटिक्स में जाने के लिए? सर अभी तक तो नहीं सोचा, बाकी साईं जिधर मेरे कदम ले जाएंगे इशारा उनका ही रहेगा, मैं तो उनके ऊपर अपने आप को छोड़ दिया हूँ। बस यहाँ भी नहीं सोचा था कि मुंबई में मैं ऐसे एक्टर आऊँगा, लेकिन आज मैं आया। अब अगला कदम उनका जिधर मेरे बढ़ाने के लिए बोलेंगे मैं उधर बढ़ जाऊँगा, ऊपर वाले पे भरोसा है। हाँ, जो करूँगा दम के साथ करूँगा। लास्ट में हमारे जो नए जो दर्शक हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक सीरियल आ रहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साई बाबा, ये 16 फरवरी से डीडी किसान पे और सेम टाइम पे ऑल ओवर चैनल्स जो मैक्स प्लेयर पे है, G5 पे है, और आप लोग देखिए बहुत अच्छा देखे। इन्होंने हमने किया है, हमने डायरेक्ट किया है, हमारे सारी यूनिट के लोग, हमारे एज ए प्रोड्यूसर हमारे विकास सर और हमारा जो एक्टर सारे साई बाबा हों, चाहे सारे लोग इतना अच्छा काम किए हैं, जरूर देखिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। और आप, हाँ कुछ बोलो। मैं ये कह रहा था कि आप सब लोग इस सीरियल्स को देखिए, हमारा काम देखिए, हम सबको अवसर दीजिए कि हम और इससे अच्छा काम कर सकें। आप देखेंगे तो हमारा वही पूंजी है, आपका देखना ही हमारे लिए शुभचिंतक है। थैंक यू सो मच, आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह